नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रडार और हम आपको बताने जा रहे हैं आज की हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर की बात करें तो मस्जिद विवाद को लेकर कुल्लू में पुलिस और लोगों में झड़प। अब कुल्लू में मस्जिद विवाद की आग भड़क गई है। अखाड़ा बाजार में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। जामा मस्जिद के अंदर जाने से रोकने पर हुआ बवाल। हिंदू संगठनों ने रामशिला से ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाली। सेक्शन 163 लागू होने के बावजूद हुआ प्रदर्शन। आज की दूसरी खबर की बात करें तो कल सरकारी कर्मचारियों की सैलरी आ जाएगी। अक्टूबर महीने के पहले दिन ही कर्मचारियों को सैलरी मिल जाएगी, लेकिन पेंशन के लिए 9 अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा। आपको बता दें, सितंबर महीने में कर्मचारियों को सैलरी 5 तारीख को और पेंशन 10 तारीख को मिली थी, जिससे एम्प्लॉयज और पेंशनर्स में रोष था। अगली खबर की बात करें तो पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य के वेंडर आईडी लगाने वाले बयान को बीजेपी का समर्थन मिला है। भाजपा के ऊना एमएलए सतपाल सत्ती ने विक्रमादित्य सिंह का समर्थन किया है। भाजपा के विधायक ने कहा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी इसकी पहल। यहां हैरानी की बात यह है कि विक्रमादित्य सिंह को एक तरफ बीजेपी से समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर इन्हें इसके लिए कांग्रेस हाईकमान को सफाई देनी पड़ी थी। मंडी के पोहल गांव के विनय जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। 3 दिन पहले आतंकी मुठभेड़ में हुए थे घायल, आज अचानक तबीयत बिगड़ने पर तोड़ा दम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शहादत पर शोक व्यक्त किया। आज की पांचवी खबर की बात करें तो मंडी बाईपास का सफल ट्रायल हो गया है। इस बाईपास से मंडी से कुल्लू सफर में 45 मिनट के समय की बचत होगी। मंडी शहर को ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी, लेकिन दूसरी ओर व्यापारियों में कारोबार घाटे में जाने का डर है। आज की आखिरी खबर में जानेंगे कल हिमाचल प्रदेश में मौसम का हाल कैसा रहेगा। हिमाचल में 10 दिन में मॉनसून की विदाई हो जाएगी। आगामी 5 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। अगले पूरे हफ्ते धूप खिली रहने के आसार हैं।